हमारे संबंध है हमारी से पकड़ लेना है खाली मुंह मिला दो शाम को कार्यक्रम शामिल नहीं होगा अनौपचारिक सोनिया गांधी को विषकन्या कह रहे हैं कर्नाटक में विधायक को राजनीति का स्तर किधर भाषा का प्रयोग किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव अपनी जगह है लेकिन मर्यादाओं को मांग कर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना राजनीति में बहुत ही नकारात्मक है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उन पर दावा देता है और उनके प्रति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना तीन नए से प्रभारी राजस्थान में लगा दिए गए थे जिसके पहले प्रभारी थे रंगवासा में आपको लगता है चुनाव से पहले पहले क्योंकि कल भी समय समय पर समिति में बदलाव करते रहते हैं चुनाव सर पर ही 6 महीने दिए हैं इसलिए लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और मुझे लगता है कि इसका अच्छे से किया जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो SSC के अधिकारी हैं या जो समिति का काम संभाल रहे हैं स्थल पर जाएँ लोगों से बात करें कार्यकर्ता और मैंने खुद भी सुझाव दिए हैं SSC के अंदर पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के खुलासे के बाद में अगर अमित शाह कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं सतपाल मलिक से पूछताछ हो रही थी गई तो किस तरफ जा रही है राज्य देखो राजनीति में आज मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति उनकी भाषा उनके स्टेटमेंट्स पर खत्म होती है लेकिन जो देश में जनता मुद्दे हैं महंगाई है बेरोजगारी है इतने सारे हमारे नौजवान पहलवान बैठे जिस तरह उस पर कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR दर्ज हो रही है आप समझ लीजिए जहाँ पर FIR दर्ज होना एक स्वाभाविक सी बात है और जिन खिलाड़ियों ने हमारे लिए मेडल जीते हैं नाम रोशन किया है और इतने आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बावजूद भी सरकार ने काम नहीं किया तो स्पष्ट है कि वो अपने नेताओं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इसलिए मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए बेरोजगारी बहुत चरम पर है महंगाई है और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है इसलिए मुझे लगता है कि जनता बदलाव चाहिए कर्नाटक में कांग्रेस का प्रचार है वो सिर्फ है और डराकर वोट लेने की प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस का जो एक्सटेंसिव कैंपेन हुआ है और योगदान आ रहा है मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत के पास आपकी मुलाकात हुई थी आपने जो मुद्दे पिछले दिन उठाए विधानसभा अध्यक्ष मैंने कहा ना मीटिंग हुआ है अनौपचारिक